अरे डगाला लगले डगाला लगले कर चलो पहले डीम डीम वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। पहुंच गए हैं एयरपोर्ट विथ प्रशांत और इधर गए मैडम। हाय हाय डॉक्टर दीपा, सब एक्साइटेड है हमारे अपकमिंग ट्रिप के लिए। सो लद्दाख जा रहे हैं, यहाँ से फ्लाइट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए हैं और फर्स्ट फ्लाइट है चंडीगढ़ के लिए। सो लेट्स गो, सब रेडी है अंदर, आगे की बातें आगे चल के करेंगे। प्राइमरी चेक इन हो गया है, अभी वी आर लीविंग फॉर बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास ऑनलाइन मिल गया है क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, चेक इन, वेब चेक इन, सब कुछ ऑनलाइन है। सो बोर्डिंग पास लेना है फिजिकल, ऑनलाइन तो मिल गया है और सारे दोस्तों से मिलना। हाय बोले, हाय गगन। सो ऑल आर सुपर एक्साइटेड। ओके बाबा एक्साइटेड। Hello, yes, of course. प्रोसीजर ऑफ चेक इन बैग, सिक्योरिटी चेक, एवरीथिंग हैज डन एंड अब हम वहाँ वेट कर रहे हैं लॉन्च में टू फ्लाइट टू बोर्ड। अभी बोर्डिंग के लिए हाफ एन आवर बचा है। सो जैसे ही बोर्डिंग टाइम होगा हम बोर्डिंग करना चालू कर देंगे। एयरपोर्ट पे आने से पहले आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपके पास कोई भी स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होना ज़रूरी है या फिर आपके दोनों वैक्सीनेशन डोसेस कंप्लीट हो। सो दीज थिंग्स आर मस्ट अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो। सो बी केयरफुल, कम विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैवल सेफ। वैसे उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बट वी हैव द मास्क एंड फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स। तो चलो फ्लाइट बोर्ड करते हैं और मिलेंगे आगे फ्लाइट में और उसके बाद धीरे 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 चंडीगढ़ में भी पहुंच जाएंगे। सो एक्साइटेड फॉर द राइड। फाइनली बोर्डेड द फ्लाइट और अब टाइम हो गया है उड़ने का। सो आफ्टर 2 आवर्स विल लैंड टू चंडीगढ़, उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे। चिंतन भाई, द ट्रिप स्टार्टेड एंड वी आर एक्साइटेड, अमेजिंगली एक्साइटेड, रेडी टू रन। सो लेट्स गो, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर जैसे लैंड करते हैं वापस मिलेंगे। लेट्स डू दैट। बाय 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 बाय। After 2 hours and now it's time to go towards the hotel. So let's get out of the Chandigarh airport. Oh, इतनी भीड़ नहीं है चंडीगढ़ एयरपोर्ट में, मुंबई में कहाँ से पता नहीं बट बहुत भीड़ होती है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं, बहुत सारा सामान है भाई और यहाँ से हमने ओला बुक की है। सो कैब लेके हम निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रीपेड टैक्सीज भी मिल जाएंगे। सो बेटर है कि आप ऐप से ही बुक कर लीजिए और निकल लीजिए अपने होटल की तरफ। गगन एक्साइटेड। यो मैन। अब टाइम हो गया है होटल की तरफ चलने का और फुल डे फिर आज का रिलैक्सेशन रहेगा और कल पहले बाइक लेके आज बाइक मिलेगी, शायद आज बाइक मिलेगी और आज ही बाइक लेके हम टेस्ट करेंगे कैसी बाइक से क्या है और कल चलेंगे हम मनाली की तरफ। सो होप फॉर द बेस्ट। अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, चलो आगे भी देखते ना और क्या क्या एक्साइटमेंट चलता है आज के दिन में। इतने जल्दी थोड़ी ख़त्म होने वाला है यार, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। होटल पहुंच गए, चलो भैया ने छोड़ दिया है बाइक। होटल का नाम है ऑर्बिट
सो आज का स्टे चंडीगढ़ में होगा होटल ऑर्बिट में। होटल की जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी हो गई है, अब टाइम है रूम में आके रिलैक्स करने का। तो छोटा सा रूम टूर कर लेते हैं फटाक से कि कैसी रूम है अपनी। सो ये एंट्री हमारा था दरवाजा, ये यहाँ पे थोड़ा एक कबर्ड दिया है कपड़े रखने के लिए, और ये है बाथरूम। ओहो क्लीन बाथरूम और बड़ा सा बाथरूम, ये बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि बाथरूम अच्छा है ना तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज लाइफ में कुछ फन नहीं है। सो बाथरूम अच्छा होना बहुत ज़रूरी, साफ और क्लीन। सो बाथरूम के बाद ये आता है हमारा बेडरूम या बेड जो भी है। सो हमारा ग्रुप है 12-15 जन का, ट्रिपल शेयरिंग के बेसिस में हमने लिया है, एवरेज रूम है, अच्छा है, और आज के नाइट के स्टे के लिए बहुत अच्छा है। तो आज की नाइट कैसे तो गुजारनी है और उसके बाद हमें बढ़ना है आगे मनाली के लिए। तो बाइक्स आज मिलेगी या कल पता नहीं, जब भी मिलेंगे हम मैं आपको बता दूंगा। सो लेट्स गो गेट फ्रेश, और फ्रेश होने के बाद ही आपको मैं मिलता हूँ। तुम आओ उधर अपनी बाइक उठा के ले जाओ। दैट वी कम हियर, बट इज दैट द सेम टेम्पो ही सेइंग? नहीं, वो सेम टेम्पो नहीं है जो तुम्हारे साथ ले लद्दाख जाएगा। It's a different tempo which will go to Leh Ladakh. So, office change karna padega. So, you'll have to come back here, tank up, come back here. So, by that time, we can tell him that if you're coming here by 8 o'clock, he'll have a full breakfast ready for us. Full breakfast. So, briefing is going on about the ride and kal ka kya planning hai uske bare mein baat ho rahi hai. So, all are excited and a little bit nervous also. Okay, first time we all are riding in this terrain. So, let's hope for the good. ओके तो खाना हो गया है, पूरा प्लानिंग हो गया है, कल का पल की तैयारी भी हो गई है, टाइम सेट हो गया है, बाइक्स भी रेडी है, तो राइड के लिए वी ऑल आर सुपर एक्साइटेड। सो अब टाइम है सोने का, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 10:30। जितना जल्दी सोएंगे, जितना ज़्यादा सोएंगे उतना अच्छा है, कल सुबह उठ के हमको फिर निकलना है आगे की राइड के लिए। कल का डेस्टिनेशन होगा मनाली में, और मनाली का पूरा रूट जो सीनिक रूट है वो आपके साथ जरूर शेयर होगा अगले व्लॉग में। पर आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा मुंबई टू चंडीगढ़ वाला, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।